नमस्कार, आप सबको एपी डायरेक्ट में स्वागत है। आज हम आए हैं लोअर सुबनसिरी एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब के बारे में जानने के लिए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है लोअर सुबनसिरी बॉक्सिंग के कोच, यहाँ पे है और जानते हैं इसके बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम व्यापी ताक है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोच ना। सर, तो आपका ट्रेनिंग कहाँ से करके आया है और आप कितने साल हो गए? ट्रेनिंग तो फिलहाल मैं तो यहाँ से किया था, लेकिन हाल ही में हम एनआईएस करके आए हैं एंड वही है, मेरा 8 साल हो गया यहाँ में ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोच रिप्रेजेंट करने का। सर, आपके अंदर में ये सब जो स्टूडेंट्स है मेडल लेके आया है, ये सब कहाँ से हासिल करके आया है? ये जो आपका है सब जूनियर एंड सीनियर का है एंड ये गोल्ड मेडलिस्ट है एंड ये उस दिन केरला में ये नेशनल खेल रहा। ये सब आपके अंदर पे है मेरा और अब भी कोचिंग कर रहे हैं आपके साथ? हाँ। ओके सर। सर, तो आज मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको ये सीनियर सिटीजन से क्या स्पॉन्सरशिप या फिर मदद और ये गवर्नमेंट के तरफ से क्या मदद और हेल्प मिलता है आपको? गवर्नमेंट का तरफ से तो मदद तो कुछ भी नहीं मिलता है, जितना भी है वो सीनियर सिटीजन, हाँ वो लोग तो मदद करते हैं हमको ना उस, लेकिन अभी बहुत मदद कर और भी मदद करेगा बोल रहा है। सर, तो आज मैंने देखा यहाँ पे जो आप स्टॉल लगा के रखा हुआ है बॉक्सिंग के पोस्टर के साथ, ये आप और साथ में एक चैरिटी का डोनेशन का डब्बा भी है, वो आप किसके लिए कर देना चाह रही है? ये देखो, बॉक्सिंग ऐसा होता है कि ये मतलब जितना भी प्लेयर निकलता है सब ज़्यादातर पोअर फैमिली से निकलता है, गरीब परिवार से ना, तो वो लोग क्या होता है कि ग्लव्स व्लब को अफोर्ड नहीं कर पाता है एंड हम लोग उन लोग को मतलब सामान उमान इक्विपमेंट्स देने के लिए, हेड गियर आपका ये हो गया, बैंडेज हो गया, ये सब देने के लिए ना, इसलिए हम खोला है एंड चैरिटी भी मदद कर रहा है आदमी। एंड लास्टली सर, आप यहाँ पे आपको पता है जीरो पे यहाँ पे यहाँ का जो यूथ है, जवान लड़का लड़की लोग है, नशा और ड्रग करने में पूरा व्यस्त रहता है, आप उन सबको नशा से मुक्त कराने के लिए क्या मैसेज देना चाहेगा सर? मेरा मैसेज तो वही है, जितना भी सीनियर सिटीजन है आप अपना अपना बच्चा को स्पोर्ट्स कराओ एंड स्पोर्ट्स करा के अगर घर में अगर एक परिवार में खाना खाने वाला मतलब आलू खाने वाला नहीं होगा तो पिताजी तो आलू नहीं लेगा ना, तो बेचने वाला भी कम होगा ना, तो इसलिए हम वही बोलता है कि आप अगर बेचने वाला नहीं होगा तो देन आपको खरीदने वाला भी तो नहीं होगा ना, तो मेरा वही है कि जितना भी आप चिल्लाते रहेगा नो ड्रग्स अंदर में बेचते रहेगा, इसलिए आप इसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। ओके, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहने के लिए थैंक यू और